What are the four important steps या SIMOPS का implementation process क्या होगा? सबसे पहले फेज में हमारे पास आएगा आइडेंटिफिकेशन फेज. सबसे पहले हमें SIMOPS की टाइप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज पर मोर्पो मैट्रिक्स. हमारे पास SIMOPS रेड में, ग्रीन में, येलो में किस कैटेगरी में आ रहा है. उसके बाद अंडरटेक JSA, हमें उस काम के रिलेटेड जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट बनानी पड़ेगी कि हमारे इस काम में ख़तरा क्या है, कौन हार्म हो सकता है, कैसे कंट्रोल करेंगे. हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास FRA होगा, जैसे लेवल 1 होगा, 2 होगा, जो भी रिक्वायरमेंट एज़ पर IWEB टीम और एज़ पर मोपो मैट्रिक्स, हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. सेकेंड फेज में हमारे पास आएगा प्रिपरेशन फेज, आइडेंटिफाई एंड अप्रूव कंट्रोल्स. हमें उस काम के लिए कौन कौन से क्रिटिकल कंट्रोल रिक्वायर्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करके अप्रूव किया जाएगा, एग्रीड किया जाएगा. एंड फॉर्म प्लान इंक्लूडिंग रिसोर्सेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ SIMOP रिस्क टू एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल. तो इसके लिए हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, SIMOP कोऑर्डिनेटर चाहिए होगा, अगर लिफ्टिंग इक्विपमेंट हो रहा है तो हमें अपॉइंटेड पर्सन चाहिए, हमें रिगिंग सुपरवाइजर की थर्ड पार्टी चाहिए, हमें रिगर्स कितने चाहिए, हमें कलर कोड कौन सा चाहिए, जितनी भी रिसोर्सेज होंगे वो तमाम इसके अंदर आइडेंटिफाई किए जाएंगे, तमाम की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जीक्यूशन फेज. तो जो चीज़ें हमने प्रिपरेशन फेज में आइडेंटिफाई फेज में आइडेंटिफाई की थी, प्रिपरेशन में उनके अकॉर्डिंग वर्किंग करके अप्रूव किया था, वो तमाम कंट्रोल मेजर, तमाम रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज को एक्चुअली इंप्लीमेंट करके SIMOPS को कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा. एंड में आता है हमारे पास रिव्यू फेज. तो जब हमारा SIMOPS कंप्लीट हो चुका है, साइमल्टेनियस ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, आफ्टर एक्शन रिव्यूड AAR ऑफ SIMOPS मैनेजमेंट एंड अपडेट द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग SIMOPS मैट्रिक्स. तो हमारे पास तमाम चीज़ों को फॉर फ्यूचर एविडेंस या फ्यूचर कंसर्न उसको अपडेट कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड का पार्ट बना दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में उससे हम गाइडलाइंस ले सकें. तो ये हमारे पास बेसिक फोर स्टेप्स हैं या प्रोसेस है जिससे हम SIMOPS को कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू फेज. नेक्स्ट लेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा.